जय हिंद एवरीबॉडी, जय हिंद, गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड ऑल। आई एम अभिषेक वशिष्ठ एंड आई वेलकम यू टू ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ द ट्यूटर्स अकेडमी। हाँ जी, कैसे हैं सब लोग? उदय पात्रा, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, और एक और जुड़ गया अभी तो, जय अनुसंधान। हाँ जी, कैसे हैं सब लोग? आ जाइए भाई, ऑनलाइन आ जाइए सारे लोग। अपने जो फ्रेंड्स हैं, साथ के जो कॉलीग क्लासमेट्स हैं आपके, उनको इन्फॉर्म कीजिए कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। हाँ जी, जल्दी से जो लोग आ गए हैं, जय हिंद लिखिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में, मार्क योर प्रेजेंस देयर। एंड इफ यू लाइक द सेशन, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द ट्यूटर्स अकेडमी एंड शेयर द लिंक, लाइक द सेशन। चलिए, हेलो मंगल, दिस क्वेश्चन में रिपीट, विच वन? जय हिंद भाई, जय हिंद विनय, जय हिंद एवरीबडी, जय हिंद। हाँ जी, तैयार, रेडी? चलिए स्टार्ट करते हैं, 35 क्वेश्चंस कवर करने हैं विद इन 1 आवर, ठीक है? तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। चलिए जी, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच स्टेट्स हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर के सुधाकर हैज रिसेंटली लॉन्च द सोशल अवेयरनेस एक्शन टू न्यूट्रलाइज नमूनिया सक्सेसफुली। सांस, याद रखना भाई, सांस कैंपेन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक से एक क्वेश्चन है स्लाइड में आज। सांस कैंपेन बताइए किसने रिसेंटली स्टार्ट किया है? स्टेट हेल्थ मिनिस्टर हैं के सुधाकर, कर्नाटका, गुजरात, उड़ीसा या केरला? हाँ जी, किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने लॉन्च किया है अपने स्टेट में सांस कैंपेन? हाँ जी, ए यस, ए इज द राइट आंसर। जितने भी लोग ए आंसर दे रहे हैं वो सही हैं, ठीक है। कर्नाटका में स्टार्ट किया गया कैंपेन उनके हेल्थ मिनिस्टर द्वारा, जिनका नाम है के सुधाकर। टारगेट क्या है अभी? राइट नाउ कर्नाटका में 28 पर 1000 मोर्टेलिटी रेट है, मोर्टेलिटी लाइव बर्थ, जो बच्चे होते हैं अंडर फाइव ईयर यानी कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों का जो मोर्टेलिटी रेट है वो क्या है? 28 पर 1000, यानी कि हर 1000 बच्चे में 28 बच्चा मर जाता है बिकॉज ऑफ इन अंडर फाइव एज, ठीक है। और इस मोर्टेलिटी का 15% जो काउंट है वो होता है नमूनिया की वजह से, ठीक है। नमूनिया इज अ लंग डिजीज और ये इन्फेक्शन, वायरल और फंगल तीनों तरीके से होता है भाई। इन्फेक्शियस डिजीज भी है, वायरल भी है और फंगल डिजीज भी है, ठीक है, नमूनिया, ठीक। बायोलॉजी में क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक। तो इंडिया का टारगेट है बेसिकली ये सांस कैंपेन। पहली बार अगर पूछ लिया जाए आपसे कि पहली स्टेट, पहला राज्य जहाँ पे स्टार्ट हुआ, पहला राज्य था आपका गुजरात। गुजरात में 2019 में ये कैंपेन स्टार्ट किया गया था, ठीक है। इंडिया ने मार्क क्या किया है कि ये जो मोर्टेलिटी रेट है ना, ये तो स्टेट का है, इंडिया ने मार्क किया है कि लेस देन 3 पर 1000 लेकर जाना है इंडिया का मोर्टेलिटी रेट, लेस देन 3 पर 1000 कि बच्चे जो हैं अंडर फाइव ईयर वो न्यूट्रिशन या किसी डिजीज़ की वजह से, माल न्यूट्रिशन की वजह से उनकी मौत ना हो, ठीक है। तो ऐसा करने वाला पहला राज्य था गुजरात, ठीक है। और इसमें जो टीका लगता है सांस कैंपेन में वो होता है एमोक्सिसिलिन का, एमोक्सिसिलिन, ठीक है जी, जो आशा वर्कर्स होती हैं, ASHA, ठीक है। एक्रेडिट सोशल हेल्थ वर्कर्स, ठीक है, सोशल हेल्थ आपको बोले क्या, एक्टिविस्ट, ठीक है, सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, तो आशा वर्कर्स के द्वारा ये लगाया जाता है इसमें एमोक्सिसिलिन इन द सांस कैंपेन। तो रिसेंटली क्या है कर्नाटका ने और पहला राज्य था गुजरात, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, विच कंट्रीज गोडलाजरा सिटी वॉज नेम्ड वर्ल्ड बुक कैपिटल ऑफ द ईयर बाई यूनेस्को? हाँ जी, वर्ल्ड बुक कैपिटल ऑफ द ईयर चुनी गई है गोडलाजरा
सिटी बताइए किस कंट्री की है ये सिटी। हाँ जी जल्दी से आंसर दीजिए फटाफट, किस कंट्री में है ये सिटी बताइए भाई। ओके भाई मंगल, आज विद डेट सारे सारे सेशन आपको टेलीग्राम पे मिलने वाले हैं, ठीक है तो रिवीजन करना ना भूलें उसका। हाँ जी इसका बताइए आंसर, मैक्सिको। यस मैक्सिको इज द राइट आंसर, ठीक है तो मैक्सिको की है ये गोदलाजरा सिटी, जिसको बनाया गया है क्या वर्ल्ड बुक कैपिटल ऑफ द ईयर, ठीक है बाई यूनेस्को, ठीक। और ये यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी में भी आती है, यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है उसमें भी आती है। मैक्सिको की कैपिटल है मैक्सिको सिटी, मैक्सिको सिटी, ठीक। और यूनेस्को आप काफ़ी बार कर चुके हैं, फिर से रिवाइज करते हैं, 1945 में बना, ऑद्रे अजूले इज द सेक्रेटरी जनरल, और हेडक्वार्टर हो गए इसके पेरिस फ्रांस में, पेरिस फ्रांस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एमिलिया रोमैग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2022 हाल ही में किसने जीती है? फॉर्मूला वन एमिलिया रोमैग्ना ग्रैंड प्रिक्स जो हुई कहाँ पर, इटली में, उसका विनर बताना है आपको, सेवेस्टियन बैटल, ल्यूज हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टैपन या वल्टेरी बॉटस। हाँ जी जल्दी से आंसर दीजिए भाई। जल्दी से आंसर दीजिए भाई, आंसर लेट आ रहे हैं आपके वो काफी। बी अगेन द आंसर इज मैक्स वर्स्टैपन, मैक्स वर्स्टैपन, तीन में हम ऑलरेडी कर चुके हैं इसको भाई। एक तो है आपका हंगेरियन ओपन, हंगेरियन ओपन, फ्रेंच ओपन, और तीसरी है कैनेडियन ओपन, और एक चौथी हो गई है एमिलिया रोमैग्ना ग्रैंड प्रिक्स। ये तीनों ही किसने जीती हैं? मैक्स वर्स्टैपन ने, राइड करते हैं रेडबुल की कार, और बिलोंग करते हैं कहाँ से, नीदरलैंड से, नीदरलैंड से, ठीक है जी। तो मैक्स वर्स्टैपन, एमिलिया रोमैग्ना ग्रैंड प्रिक्स, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग हैज लॉन्च्ड वन हेल्थ पायलट इनिशिएटिव इन विच सिटी? वन हेल्थ पायलट इनिशिएटिव यानी कि आपका ह्यूमन वाइल्ड लाइफ लाइव स्टॉक और नेचर यानी कि एनवायरमेंट, इन तीनों का क्या बात कर रहे हैं, इन तीनों की हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए बोला गया क्या वन हेल्थ पायलट इनिशिएटिव, ठीक है। आपको बताना है किस सिटी में स्टार्ट हुआ है पायलट इनिशिएटिव, बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली या कोची। हाँ जी जल्दी से आंसर दीजिए भाई, किस सिटी में स्टार्ट हुआ है? ऑप्शन डी कोची। नहीं जी आंसर है इसका भी अगेन बेंगलुरु, बेंगलुरु इज द राइट आंसर। ये जो पायलट इनिशिएटिव है ये आपका कर्नाटका, कर्नाटका और उत्तराखंड में स्टार्ट होना है भाई, कर्नाटका और उत्तराखंड में स्टार्ट होना है, उत्तराखंड में अभी स्टार्ट होना बाकी है, स्टार्ट हो चुका है ये कहाँ पर, कर्नाटका में, ठीक है कर्नाटका में ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। वन हेल्थ इनिशिएटिव, वन हेल्थ पायलट इनिशिएटिव, ठीक है। अच्छा इसमें अगर पूछ ले कि भाई ये डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ठीक है, इसके साथ जो कोलैबोरेशन है वो है, आपने सुना होगा बिल गेट्स का, तो बिल एंड मिलिंदा गेट्स जो फाउंडेशन है, बिल एंड मिलिंदा गेट्स, उस फाउंडेशन ने ये कोलैबोरेट करके स्टार्ट किया है विद डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईजी ड्रोन्स हैज बीन अवार्डेड बेस्ट ड्रोन ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कैटेगरी बाई एयर वॉर्ड्स, तो आपको बताना है ये जो आईजी ड्रोन है ये किस सिटी में बेस्ड है भाई। आईजी ड्रोन्स को बेस्ट स्टार्टअप का मिला है, बेस्ट ड्रोन स्टार्टअप का क्या है अवार्ड मिला है भाई, एयर वॉर्ड्स, तो आपको बताना है किस सिटी का ये प्लान है, स्टार्टअप है, पुणे, हैदराबाद, मुंबई या दिल्ली। हाँ जी आईजी ड्रोन कहाँ से बिलोंग करता है, मतलब किस सिटी का स्टार्टअप है ये, पुणे, हैदराबाद, मुंबई और एक बचा है वो भी दे दो। चलिए आंसर इज दिल्ली,
दिल्ली इज द राइट आंसर, जिन लोगों ने दिल्ली आंसर दिया है वो सही है, ठीक है, दिल्ली में आंसर है इसका, मतलब दिल्ली से बिलोंग करता है आईजी ड्रोन्स, ठीक है। ये नेचुरल डिजास्टर होते हैं ना, तो नेचुरल डिजास्टर रिस्पॉन्स में ये काम आता है ड्रोन, नेचुरल डिजास्टर रिस्पॉन्स में ये काम आता है, ताकि इवैक्यूएशन या फिर लोगों तक हेल्प के लिए एक सर्वे कर सके, एक आइडिया लगा सके कि कहाँ पर रिक्वायरमेंट है हेल्प की, ठीक है। तो आईजी ड्रोन्स न्यू दिल्ली बेस्ट ड्रोन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप कैटेगरी, ठीक है। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज बैग्ड फर्स्ट प्राइज इन नेशनल MSME अवार्ड 2022। MSME मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, ठीक है। बताइए जी फर्स्ट प्राइज किसको मिला है, उड़ीसा, बिहार, हरियाणा या आंध्र प्रदेश, जल्दी से। हाँ जी, लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, जल्दी से बताइए भाई। उड़ीसा, यस, उड़ीसा इज द राइट आंसर। जो फर्स्ट प्राइज मिला है वो मिला है उड़ीसा को, सेकंड प्राइज मिला है आप, सेकंड प्राइज मिला है बिहार को, एंड थर्ड प्राइज मिला है हरियाणा को, ठीक है। नेशनल MSME अवार्ड में बेस्ट स्टेट रही उड़ीसा, सेकंड पे बिहार और थर्ड पे हरियाणा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बैम्बू म्यूजियम एंड ऑर्गेनिक AC मार्केट, वेरी इंपॉर्टेंट। बैम्बू म्यूजियम एंड ऑर्गेनिक AC मार्केट वॉज रिसेंटली विजिटेड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर इन विच सिटी, असम, नागालैंड, उत्तराखंड या पंजाब। बताइए जी, बैम्बू म्यूजियम जो विजिट किया रिसेंटली फार्मर, हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने, वो किस राज्य में है। हाँ जी, हरियाणा, नागालैंड, यस, ऑप्शन बी जिनका भी आंसर है वो सही है, ठीक है, नागालैंड। तो नागालैंड में ये है आपका बैम्बू म्यूजियम, ठीक है। और दूसरी चीज जो स्टार्ट हुई है सेम डे, हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी, हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी नागालैंड के दीमापुर में, नागालैंड के दीमापुर में। तो बेसिकली जो नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, ये स्टार्ट करने गए थे, इनॉग्रेट करने गए थे हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी, उसी पर्पज़ में, उसी मतलब विजिट में इन्होंने विजिट किया बैम्बू म्यूजियम एंड ऑर्गेनिक AC मार्केट, जो भी कहाँ पर है, नागालैंड में। तो घुमा के क्वेश्चन पूछा गया आपसे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिडनी मैकलॉगलिन क्रिएटेड वर्ल्ड रिकॉर्ड इन विच स्पोर्ट्स विद, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है 51.41 सेकंड्स बाय ब्रेकिंग हर ओन रिकॉर्ड, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया जो पहले था 51.46 सेकंड, जो टोक्यो गेम्स में इन्होंने सेट किया था। बताइए जी, सिडनी मैकलॉगिन ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं, ठीक, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं। तो आपको ये बताना है कि इन्होंने किस स्पोर्ट्स में, किस इवेंट में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। हाँ जी, जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन सी, यस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 400 मीटर हर्डल्स में, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट पूछा जाएगा आपसे कि अभी रिसेंटली 400 मीटर हर्डल्स में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली, मतलब बनाने वाला प्लेयर या एथलीट कौन है, ठीक है। तो सिडनी मैकलॉगलिन, ठीक है। अच्छा सॉरी, इसको करेक्ट कर लीजिएगा थोड़ा, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये बिलोंग करती हैं USA से, अमेरिकन है, ठीक है, अमेरिकन है, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT, ये डिपार्टमेंट वर्क करता है इनकम टैक्स के लिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो बताइए चेयरमैन किसको बनाया गया है, JB मोहपात्रा, नितिन गुप्ता, SK मोहंती या संजीव कौशिक। हाँ जी, जो आंसर दे रहे हैं आपका नितिन गुप्ता, नितिन गुप्ता इज द राइट आंसर, ठीक है। नितिन गुप्ता 1986 इंडियन रिवेन्यू सर्विसेज बैच के हैं, ठीक है, इंडियन रिवेन्यू सर्विस, सिविल सर्वेंट है, ठीक।
इनको बनाया गया चेयरमैन, और जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है ये आपका न्यू दिल्ली में है, इसके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में, ठीक है? तो याद रखिएगा नितिन गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनलक्ष्मी शेखर क्लॉक्ड हर पर्सनल बेस्ट टाइम ऑफ 22.89 सेकेंड टू विन द 200 मीटर स्प्रिंट। 200 मीटर स्प्रिंट में जीता है इन्होंने, अपना पर्सनल बेस्ट रिकॉर्ड बनाया है 22.89 सेकेंड में, ठीक है? कहाँ पर? कोसानोव मेमोरियल 2022 एथलेटिक मीट। तो विद दिस शी बिकेम द फास्टेस्ट इंडियन वुमेन इन 200 मीटर। बताइए जी कौन से नंबर की फास्टेस्ट इंडियन वुमेन बनी है धनलक्ष्मी शेखर, जिन्होंने बनाया रिसेंटली अपना पर्सनल बेस्ट 22.89 सेकेंड में, ठीक है जी? बताइए सेकेंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ, जल्दी से आंसर। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा हार्ड है। एक्सक्यूज मी। हाँ जी, सेकेंड नहीं जी, ये है थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर पे है। जो पहला जो रिकॉर्ड है वो है 22.82 सेकेंड, दूसरा रिकॉर्ड है 22.88 सेकेंड। ये सब हम बात कर रहे हैं नेशनल रिकॉर्ड्स की, ठीक है? ये सब क्या है? नेशनल रिकॉर्ड्स हैं ये, ठीक है? नेशनल रिकॉर्ड्स की हम बात कर रहे हैं। तो जो पहला है ये बनाया है सरस्वती साहा, और जो दूसरा वाला रिकॉर्ड है वो है, आपने नाम सुना होगा, धींग एक्सप्रेस, हिमा दास। और थर्ड जो एथलीट बनी है वो बनी है धनलक्ष्मी शेखर बनी है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु क्लेम्स द गोल्ड मेडल, अगेन वही आ गया, कोसानोव मेमोरियल 2022 एथलेटिक्स मीट, ठीक है? ये भी पूछ लो भाई, अभी दो क्वेश्चन आ गए, इसको बारे में जान लेते हैं थोड़ा कि ये कहाँ पर हुई है। ये हुई है अल्मेटी जगह है, कहाँ पर? कजाकिस्तान। पूछ ले भाई आपसे कि ये टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ, तो कजाकिस्तान के अल्मेटी में हुआ है ये। आपको बताना है कि गोल्ड मेडल किसने जीता है डिस्कस थ्रो में। हाँ जी बताइए, नवजीत ढिल्लो, सीमा पुनिया, ली यांगफेंग या लोलुगा तोसागा। हाँ जी जल्दी से बताइए। यस वेरी गुड, आंसर इज नवजीत ढिल्लो, ठीक है? तो नवजीत ढिल्लो ने जो कोसानोव मेमोरियल 2022 एथलेटिक मीट है जो कजाकिस्तान में हो रही है उसमें जीता है डिस्कस थ्रो इवेंट में गोल्ड मेडल, ठीक है? याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विद द पीक कैपेसिटी ऑफ 101.6 मेगावाट, वेयर हैज बीन इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट। भाई बताइए भाई, भारत का सबसे बड़ा यानी कि लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट जो बनाया गया है, कमीशन किया गया है टाटा पावर ने, बताइए जी किस स्टेट में, किस राज्य में बना है पहला, फर्स्ट मतलब लार्जेस्ट सोलर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट? गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरला या उत्तराखंड? जल्दी से आंसर दीजिए भाई। इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए नहीं जी, ए इज नॉट द आंसर, केरला इज द आंसर, ठीक है भाई? केरला इज द आंसर। 350 एकड़ में, 350 एकड़ में बनाया गया है ये, ठीक है? कहाँ पर? केरला में, ठीक? तो याद रखिएगा कि आंसर इज केरला, नॉट गुजरात, लार्जेस्ट की बात हुई है, ठीक है? और सीएम है पिनरई विजयन, केरला के जो सीएम है ही इज पिनरई विजयन, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी साइंड एन एमओयू विद बेलारूसियन कंपनी एंड इट्स सब्सिडरी फॉर द सप्लाई ऑफ एयरबॉर्न डिफेंस सूट फॉर हेलीकॉप्टर्स। बेसिकली इंडियन एयरफोर्स को क्या मिलेगा? एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ठीक? इसको बोला गया एयरबॉर्न डिफेंस सूट ADS, ठीक है, ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। हाँ जी, आपको बताना है कि ये जो MOU है ये बेलारूस की एक कंपनी और इंडिया की किस कंपनी के बीच में हुआ है? बताइए, भारत डायनामिक्स,
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, BEL या BHEL, भेल। हाँ जी आंसर जल्दी से आंसर दीजिए भाई। अब ए में ना कुछ लोगों ने देखा कि ये क्या है, इस पे हाईलाइट हो रखा है तो यही आंसर होगा, वो गलती से हो गया भाई। आंसर इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEL। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। जो कहाँ पर की बेस्ड कंपनी है, ये है कंपनी बेंगलुरु में, ठीक है, बेंगलुरु में। तो इसने साइन किया है बेलारूस की कंपनी के साथ क्या MOU, ताकि इंडियन एयरफोर्स को मिले हेलीकॉप्टर्स में एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ठीक है। हाँ जी कौन है चीफ एयरफोर्स के, एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी, ठीक है। ये है इंडियन एयरफोर्स के चीफ, और अक्टूबर 8 को मनाया जाता है इंडियन एयरफोर्स डे, ठीक है। टच द स्काई विद ग्लोरी इज द मोटो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज कंडक्टेड फर्स्ट सक्सेसफुल सैटेलाइट लॉन्च यूजिंग डोमेस्टिक रॉकेट नूरी। डायरेक्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाएगा क्योंकि इंडिया का नहीं है, बट डायरेक्ट पूछा जाएगा आपसे कि नूरी एक रॉकेट लॉन्च हुआ है तो पहली सक्सेसफुल सैटेलाइट किस कंट्री की है, साउथ कोरिया, जापान, ब्राजील या चाइना। हाँ जी नूरी, ऑप्शन ए, जल्दी से भाई आंसर देते रहिए सारे। साउथ कोरिया, यस साउथ कोरिया इज द राइट आंसर, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि नूरी जो रॉकेट है, डोमेस्टिक रॉकेट, पहला सक्सेसफुल सैटेलाइट हुई है लॉन्च बाय साउथ कोरिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मर ड्रिंकिंग एंड वाटर सैनिटाइजेशन सेक्रेटरी हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू CEO ऑफ नीति आयोग, ठीक है भाई। नीति आयोग मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग, ठीक। बनाया कब गया नीति आयोग को, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी एक बार कर चुके हैं शायद, 1 जनवरी 2015 में, ठीक है। इससे पहले एक बॉडी होती थी प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया किसने, नीति आयोग ने, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन के भी जो चेयरमैन होते थे वो प्रधानमंत्री होते थे, नीति आयोग के भी अगर आपसे चेयरमैन पूछ ले, चेयरमैन कौन होते हैं, प्रधानमंत्री ही होते हैं, नरेंद्र मोदी। पर इसमें पूछा गया है आपसे नया CEO किसको बनाया गया है। हाँ जी आंसर, पहले ऑलरेडी एक बार नीति आयोग आया था उसमें हमने डिस्कस किया था, परमेश्वर अय्यर। हाँ जी यस वेरी नाइस, याद है आपको, परमेश्वरन अय्यर इज द राइट आंसर, इनको बनाया गया है CEO। चेयरमैन होते हैं प्रधानमंत्री, और वाइस चेयरमैन अगर पूछ ले आपसे, ये तीन पोस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है नीति आयोग की, वाइस चेयरमैन है सुमन बैरी, ठीक है। तो तीन पोस्ट याद रखनी है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कब बनाया गया, 1 जनवरी 2015 में, और इसकी तीन पोस्ट, चेयरमैन होते हैं प्रधानमंत्री, वाइस चेयरमैन सुमन बैरी, एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर परमेश्वरन अय्यर। इससे पहले जो CEO थे वो थे अमिताभ कांत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो। हाँ जी बताइए, डायरेक्ट क्वेश्चन है, अपॉइंटमेंट थोड़े रखे गए हैं इंपॉर्टेंट इसमें, ठीक। डायरेक्टर किसको बनाया गया है इंटेलिजेंस ब्यूरो का, डॉक्टर मनोज सोनी, दिनकर गुप्ता, तपन कुमार डेका, रोहन प्रताप सिंह। हाँ जी बताइए भाई, ऑप्शन ए, और कोई नहीं जी, आंसर है तपन कुमार डेका इज द राइट आंसर। 1987 के क्या है ये, सिविल सर्वेंट है जी, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, ठीक है, IFS 1987 बैच। तपन कुमार डेका ये बने हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए डायरेक्टर। इंटेलिजेंस ब्यूरो का भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ऑफ कोर्स न्यू दिल्ली, ठीक
ठीक है, इज अ सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है, तपन कुमार डेका. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन अपॉइंटमेंट, सामंत कुमार गोयल हैज बीन रीअपॉइंटेड एज चीफ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, रो, एनआईए, डीआईए या नदन मिलिट्री कमांड. देखो ये तो आंसर हो नहीं सकता, इसमें ही गलती से आ गया. क्या है, एनआईए जो नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी है, इसी साल अपॉइंट किया गया किसको, दिनकर गुप्ता को, ठीक है, इनका हेड. बाकी बचे ऑप्शन में बताना है आपको, नदन मिलिट्री कमांड है, डीआईए है या रो है. सामंत कुमार गोयल, हाँ जी आंसर. रो, यस, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इज द राइट आंसर. ठीक है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग. देखिए डीआईए तो हमने ऑलरेडी किया था अभी कुछ दिन पहले, ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल जीएवी रेड्डी, लेफ्टिनेंट जनरल जीएवी रेड्डी, अभी रिसेंटली कुछ ही दिन पहले हमने किया था, ठीक है, जो डीआईए के हेड हैं, ये भी करंट अफेयर्स की सीरीज में. नदन मिलिट्री कमांड के जो अभी हेड बनाए गए हैं वो हैं आपका लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ठीक है, तो याद रखिएगा ये भी अपॉइंटमेंट इसी साल हुए हैं. ठीक है, तो आंसर इज रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, सामंत कुमार गोयल. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच फेस्टिवल इन गोवा पीपल वियर क्राउन्स ऑफ फ्रेश फ्रूट एंड वाइल्ड फ्लावर्स, ट्रेडिशनली कॉल्ड कॉपेल, ट्रेडिशनली कॉल्ड कॉपेल, ये जो वाइल्ड फ्लावर्स हैं, ये जो कपड़े हैं, क्राउन्स हैं, इनको क्या बोलते हैं, कॉपेल बोलते हैं. तो ये लोग पहनते हैं गोवा के किस फेस्टिवल में, हाँ जी, संवत्सर पादवो, ग्रेप एस्कापेड, साउजाओ या गोवा सनबर्न फेस्टिवल, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा. हाँ जी बताइए जल्दी से. डी सी, यस सी इज द राइट आंसर, वेरी नाइस, साउजाओ इज द राइट आंसर. ठीक है, तो साउजाओ फेस्टिवल बिलोंग कहां से करता है, गोवा का एक फेस्टिवल है जिसमें लोग कोपेल वियर करते हैं जो कि क्राउन है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का. ठीक है, पवन कुमार सावंत, पवन सावंत इज द सीएम ऑफ, चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, एंड गोवा की कैपिटल है पणजी, पणजी इज द कैपिटल ऑफ गोवा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, हाँ जी अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन, अपॉइंटमेंट, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का एक्टिंग प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है, नरेंद्र बत्रा, अनिल खन्ना, सौरभ गांगुली या जनार्दन सिंह गहलोत, हाँ जी किसको बनाया गया बताइए जल्दी से. यस ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अनिल खन्ना को बनाया गया है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का एक्टिंग प्रेसिडेंट. और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में, और ये एसोसिएशन बनाई गई थी, फॉर्म की गई थी 1927 में. तो इसके प्रेसिडेंट बने हैं अभी रिसेंटली अनिल खन्ना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डैश इनॉग्रेटेड द मैंगो फेस्टिवल इन बेल्जियम, बेल्जियम की कैपिटल ब्रूसेल्स में, क्या बना, मैंगो फेस्टिवल, बताइए जी कौन है, काफी बार रिपीट कराया है क्वेश्चन. यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गजेंद्र सिंह शेखावत, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमन या अश्विनी वैष्णव, हाँ जी जल्दी से आंसर दीजिए. ऑप्शन बी, यस ऑप्शन बी है भाई, डी नहीं है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पीयूष गोयल. जो आ लोग डी बोल रहे हैं वो जान लें कि भाई अश्विनी वैष्णव जी हैं आपके रेलवे मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ MITY, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये मिनिस्ट्री हैं इनके पास, अश्विनी वैष्णव के पास. निर्मला सीतारमन ये हो गए हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, और गजेंद्र सिंह शेखावत मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. ठीक है, इसमें पूछा गया था कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, पीयूष गोयल. मैंगो फेस्टिवल कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ, बेल्जियम में, ताकि यूरोपियन कंट्रीज में, यूरोप में जो इंडियन मैंगो है उसकी अवेयरनेस बढ़े और हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएँ आम को, और आम से हमारी थोड़ी सी क्या रिवेन्यू है अच्छे लेवल पे, क्योंकि इंडिया एक अच्छे खासे लेवल पर प्रोड्यूस करता है मैंगो. तो इसलिए मैंगो फेस्टिवल बनाया गया कहाँ पर, बेल्जियम में, इनॉग्रेटेड बाय पीयूष गोयल.
चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अश्विनी वैष्णव, अभी बताया था आपको, रेलवे मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड जी किशन रेड्डी मिनिस्टर ऑफ कल्चर, तो इन दोनों ने हैव फ्लैग्ड ऑफ फर्स्ट भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। ठीक है, फर्स्ट भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन कनेक्टिंग प्लेसेस एसोसिएटेड विद रामायणा सर्किट इन इंडिया एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, नेपाल, भूटान, श्रीलंका या बांग्लादेश। पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन स्टार्ट हुई है, ठीक है, तो आपको बताना है इंडिया और किस कंट्री के बीच में ये ट्रेन चलेगी। ठीक है, बताइए जी आंसर। सी नेपाल, ए, हाँ जी, जिनका आंसर ए है वो राइट आंसर है, राइट आंसर इज नेपाल। ठीक है भाई, नेपाल इज द राइट आंसर। दो स्टेशन याद रखने हैं आपको, एक दो है सफदरजंग, सफदरजंग रेलवे स्टेशन कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, तो वहां से चलकर ये ट्रेन कहाँ जाएगी, जनकपुर धाम, जनकपुर धाम जो कि कहाँ पर है, नेपाल में। ठीक है, देखिए एक्सपीरियंस है, लास्ट कुछ क्वेश्चंस मतलब लास्ट कुछ डिफेंस एग्जाम्स में ये इस तरह के ट्रेन वाले क्वेश्चन ना इस तरह भी पूछे गए हैं कि बताओ किन दो स्टेशंस को कनेक्ट करेगी ये ट्रेन। ठीक है, आपको बोल देगा सीधा कि पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन स्टार्ट हुई बिटवीन इंडिया नेपाल, ठीक है, या अश्विनी वैष्णव जी किशन रेड्डी ने स्टार्ट करी। ठीक, आपसे पूछ लेगा बताइए इंडिया और नेपाल के किन दो स्टेशनों को कनेक्ट करेगी। ठीक है, तो सफदरजंग और जनकपुर धाम इन नेपाल। चलिए, यूनियन कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री अश्विनी वैष्णव, ठीक है, इनॉग्रेटेड द इंडियन इंडिया पवेलियन एट द टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन। भाई ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी ना जो हमारी मीट्स और समिट्स वाली सीरीज हुई थी उसमें करा था। ठीक है, आई होप आपने रिवाइज किया होगा एंड आई नीड द आंसर। वाइवा टेक 2020, बताइए जी कहाँ पर हुआ ये एग्जीबिशन, लंदन, पेरिस, ब्रुसेल्स या न्यूयॉर्क। हाँ जी, जल्दी से आंसर दीजिए, वाइवा टेक 2020। यस, वेरी गुड भाई, जिनको रिवाइज नहीं करा है, अगेन आई एम आस्किंग यू टू रिवाइज इट, अदरवाइज कोई फायदा आपका होगा नहीं। ठीक है, रिवाइज कीजिए। पेरिस फ्रांस में, इसमें बताया गया था आपको कि कंट्री ऑफ द ईयर, कंट्री ऑफ द ईयर बनी है इंडिया इस बार। ठीक है, कंट्री ऑफ द ईयर इंडिया। ठीक है, वाइवा टेक, और ये एग्जीबिशन रिलेटेड होता है किससे, स्टार्टअप से। ठीक है, जो स्टार्टअप्स होते हैं ठीक उनसे रिलेटेड है ये, तो इंडिया थी इस बार कंट्री ऑफ द ईयर, तो आप सोच सकते हैं इसका कितना बड़ा फायदा होगा इंडिया को, आने वाले टाइम में कितनी इन्वेस्टमेंट आएंगी। रिसेंटली आपको खबर एक मिली होगी कि iPhone 14 का जो प्रोडक्शन है वो कहाँ होगा, वो चाइना से हटके शिफ्ट कर रहे हैं कहाँ, इंडिया में, तो इंडिया में होगा उसका प्रोडक्शन। ठीक है, तो यही कारण है क्या कि इंडिया मार्केट जो है बहुत जल्दी बूस्ट कर रही है, लोग काम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आ रही है फटाफट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। इंडियाज डैश सैटेलाइट वॉज लॉन्च रिसेंटली बाई न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL, द एंटायर कैपेसिटी ऑन बोर्ड इज लीज टू टाटा प्ले। भाई DTH होता है ना, डायरेक्ट टू होम, जैसे टाटा स्काई, डिश टीवी वगैरह, इसी तरह से कंपनी है टाटा प्ले। एक कम्युनिकेशन सेटेलाइट लॉन्च की गई, एक कम्युनिकेशन सेटेलाइट लॉन्च की गई, किसने लॉन्च करी, ऑब्वियसली इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, आपको सेटेलाइट का नाम बताना है क्या है, GSAT 20, 25, 24 या 10, जल्दी से आंसर दीजिए भाई। आईफोन फिर सस्ता मिलेगा, हाँ भाई सस्ता मिलेगा, अभी भी एट प्रेजेंट देखा जाए ना तो डॉलर और INR के हिसाब से देखा जाए तो आईफोन के प्राइस ऑलमोस्ट सेम है US में और इंडिया में, जो नया आता है थोड़ा बहुत ही अंतर है। ठीक, पर वो अंतर भी अब घट जाएगा अगर मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होगी, इंडिया के अंदर। इसका आंसर दीजिए भाई, ऑप्शन डी, यस, GSAT 24 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। GSAT 24 कम्युनिकेशन सेटेलाइट है, ठीक है, इसके सारे राइट्स किसको मिले हैं, टाटा प्ले को। ठीक है, और इसकी जो लाइफ है वो है 15 साल, 15 साल की इसकी ऑपरेशन मिशन लाइफ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द प्रेजेंट रैंक ऑफ इंडियन मेंस
फुटबॉल टीम एट द लेटेस्ट फीफा वर्ल्ड रैंकिंग। अभी रिसेंटली आपका जून या जुलाई में फीफा रैंकिंग्स आई थी, ठीक है, उसमें बताना है आपको इंडिया की क्या रैंक रही, 101, 102, 103 या 104। हाँ जी, फीफा रैंकिंग बताइए भाई। ए नहीं जी, आंसर इज 104। 104 इज द राइट आंसर, ठीक है, इंडिया को मिला है। नंबर वन पे है ब्राजील, नंबर वन पे ब्राजील, नंबर दो पे बेल्जियम और नंबर तीन पर अर्जेंटीना। ठीक, याद रखिएगा भाई, जरूरी नहीं है आपसे इंडिया की रैंक पूछी जाए, इनकी अदर भी रैंक पूछी जा सकती हैं। नंबर वन पे है ब्राजील, टू पे बेल्जियम और थ्री पे अर्जेंटीना। फीफा फीफा के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं ज्ञानी ज्ञानी इन्फेंटिनो इन्फेंटिनो, तो ज्ञानी आदमी है बहुत ही ज़्यादा, इतना अच्छा एक स्पोर्ट्स बनाया इसने, ठीक है, ज्ञानी आदमी ने, ठीक। और हेडक्वार्टर्स हैं कहाँ पर, हेडक्वार्टर्स हैं ज्यूरिख, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, ठीक है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर्स हैं फीफा के, और ज्ञानी इन्फेंटिनो इज़ द प्रेसिडेंट, और दीज आर दी रैंकिंग्स, इंडिया को मिली है 104 रैंकिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, रिसेंटली द वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड अ प्रोजेक्ट वर्थ ₹1000 करोड़, 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है इन द हिली रीजन ऑफ उत्तराखंड, इट इज रिलेटेड टू, बताइए जी ये प्रोजेक्ट, ये जो पैसे दिए गए हैं किस फील्ड में या किससे रिलेटेड दिए गए हैं, रेनफेड फार्मिंग, हिली एरिया हॉर्टिकल्चर, हायर एजुकेशन एक्सेसिबिलिटी या डिजास्टर रिस्पॉन्स, बताइए भाई जल्दी से। हाँ भाई मंगल बिल्कुल आएंगे यार, टाइम खराब थोड़ी कर रहा हूँ मैं भी अपना, क्योंकि ये 30-35 जो क्वेश्चंस की स्लाइड होती है भाई, इसको बनाने में ना 1-1.5 घंटा लग जाता है, 1-1.5 घंटा लगता है इसको अच्छे से प्रिपेयर करने में, ठीक। तो मैं कोई टाइम खराब करने के लिए, टाइम पास करने के लिए तो ये कर नहीं रहा, ठीक है, यूट्यूब पे लाइव चल रहा है, फ्री वीडियो है, ना इसकी कोई पेमेंट ले रहे हैं, ना कोई कि भाई इसका कोई करंट अफेयर का सेशन है, ये पेड है अनअकैडमी पे, ठीक है, आप ही के लिए है ताकि क्वेश्चन लगे, इसीलिए इसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके डाले गए हैं, ठीक है। तो अभी भी डाउट मत कीजिए, अच्छे से पढ़िए इसको, ठीक है, जब क्वेश्चन लगेंगे तो उस टाइम पे रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि भाई पढ़ लेना चाहिए था, ठीक है। चलिए आंसर है इसका रेन फेड फार्मिंग, रेन फेड फार्मिंग के लिए, ताकि जो आपकी ग्रीन हाउस इफेक्ट होते हैं ना, जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन सबसे कम हो, एमिशन क्या हो, कम हो, और जो फार्मिंग हो किस पे हो, रेन फेड फार्मिंग हो, उसमें केमिकल्स इंसेक्टिसाइड वगैरह या अदर से जो यूरिया वगैरह डालते हैं या और किसी मशीन वगैरह का यूज़ ना हो, ठीक है। इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने दी है 1000 करोड़ उत्तराखंड को। वर्ल्ड बैंक के जो हेडक्वार्टर हैं दे आर इन वॉशिंगटन DC, और जो इसके सेक्रेटरी जनरल हैं वो हैं डेविड मलपास, डेविड मलपास, ठीक है, वॉशिंगटन DC। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट हैज़ बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट इन द कंट्री टू रन एंटायरली ऑन हाइड्रो एंड सोलर पावर, बताइए जी भारत का पहला एयरपोर्ट जो 100% रन करेगा हाइड्रो पावर पे और सोलर पावर पे, ऑप्शंस आर देयर, जल्दी से आंसर दीजिए। मंगल मिश्रा पिछले 6 महीने के करा रहा हूँ भाई, जब मैं करा रहा हूँ, मैं क्वेश्चंस बना रहा हूँ, अदर की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, अगर आपके पास फिर भी एक्स्ट्रा टाइम है, फ्री टाइम है, ठीक है, आपको मैथ्स नहीं करना, आपको इंग्लिश नहीं करना, ठीक, आपको GAT नहीं करना, ठीक, तो यू कैन गो, ठीक है, यू कैन मेक योर ओन नोट्स, अदरवाइज आई डोंट थिंक कि भाई लास्ट मोमेंट पे जब आपको ऑलरेडी वीडियो बनी बनाई मिल रही है, नोट्स क्वेश्चन बने बनाए मिल रहे हैं, तो आपको कोई ज़रूरत होनी नहीं चाहिए यार पढ़ने की खुद से। जस्ट रिवाइज दीज क्वेश्चंस, इन्हीं में से लगेंगे, ठीक है, आई अश्योर यू। आंसर दीजिए भाई जल्दी से इसका क्वेश्चन का। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यस, IGI एयरपोर्ट न्यू दिल्ली, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाइड्रो पावर पे जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, हाइड्रो पावर प्लांट है, उससे बेस्ड होगी 94% तो बिजली वहाँ से यूज़ करेगा ये, और सोलर पावर से
6%। तो इंडिया का पहला ऐसा एयरपोर्ट बन गया जो क्या है, टोटली एंटायरली किस पे रन करेगा, रिन्यूएबल एनर्जी पर। ठीक है, एंटायरली विल बी रनिंग ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट ने टारगेट किया था कि 2050 में 0% कार्बन एमिशन होगा इस उससे, एयरपोर्ट से। ठीक है, किसी तरह का कार्बन एमिशन नहीं करेंगे, कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट बन जाएगा। तो अभी जो डेटा आया है रिसेंटली, उसके अकॉर्डिंग क्या है, जो 2050 का इन्होंने टारगेट किया था वो 2030 में ही पूरा कर देंगे। 2030 तक क्या है, पूरा हो जाएगा। तो याद रखिएगा, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट फर्स्ट इंडिया का एयरपोर्ट। चलिए नेक्स्ट, लीजा स्थलेकर। लीजा स्थलेकर हैज बिकेम फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स। बताइए जी, फीका, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर एसोसिएशन की पहली महिला प्रेसिडेंट जो है लीजा स्थलेकर, शी बिलोंग्स टू विच कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका या श्रीलंका। हाँ जी, डायरेक्ट क्वेश्चन है, या तो नाम पूछा जाएगा कि किसको बनाया गया है पहली महिला प्रेसिडेंट फीका की, या फिर पूछा गया जैसे कि इसमें किस कंट्री से ये बिलोंग करती हैं, और कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें। राजीव सिंह सिद्धू, तुषार भाई, श्रीलंका नहीं है, आंसर इज ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, लीजा स्थलेकर बिलोंग्स टू ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, जिनको बनाया गया है प्रेसिडेंट ऑफ फीका। चलिए अगला क्वेश्चन, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिकॉर्डेड फ्रेश वाटर अ जाइंट स्टिंगरे। फ्रेश वाटर जाइंट स्टिंगरे एक फिश है, ठीक है, आपको बताना है कि ये मैकोंग रिवर में मिली है। मैकोंग रिवर तो किस कंट्री के मैकोंग रिवर में मिली है। देखिए, अगर आप सिलेबस को अच्छे से देखेंगे ना, जीएटी का जो एनडीए का सिलेबस होता है, उसमें एक टॉपिक होता है एनवायरनमेंट साइंस, ठीक है, एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजी, ठीक है, या नेचुरल जो इनोवेशन होती हैं उससे रिलेटेड, ठीक है, ईवीएस अगर बोल रहे हैं आप, ठीक है, उसी से रिलेटेड पार्ट है। ठीक है, दैट इज द रीजन कि कोई भी क्वेश्चन फालतू में डाला नहीं गया है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश अ जाइंट स्टिंगरे, मैकोंग रिवर बताना है किस कंट्री में है, कंबोडिया, चाइना, म्यांमार या इंडिया। हाँ जी, जल्दी से आंसर दीजिए भाई, म्यांमार, कंबोडिया, चाइना। यस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, राइट आंसर इज कंबोडिया। ठीक है भाई, कंबोडिया, ठीक, कंबोडिया इज द राइट आंसर। तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर फिश जिसका नाम है जाइंट स्टिंगरे, तो वो मिली है कंबोडिया के मैकोंग रिवर में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, खुबसुल लेक नेशनल पार्क। खुबसुल लेक नेशनल पार्क हैज बीन एडेड टू वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फेयर रिजर्व ऑफ यूनेस्को। तो यूनेस्को क्या है ना, एक्रेडिशन देता है, एक मतलब बोलता है कि भाई इनको एक सर्टिफिकेशन देता है कि ये पर्टिकुलर जो एरिया है, पार्ट है, क्या है, बायोस्फेयर रिजर्व है ना। तो आपको ये बताना है कि रिसेंटली खुबसुल लेक नेशनल पार्क ऐड किया गया है, ठीक है, यूनेस्को के द्वारा। तो आपको बताना है कि नेशनल पार्क किस कंट्री में लोकेटेड है, फ्रांस, भूटान, कजाकिस्तान या मंगोलिया। हाँ जी, आंसर जल्दी से आंसर दीजिए भाई, कंबोडिया तो ऑप्शन भी नहीं है इसमें, आंसर इज मंगोलिया। मंगोलिया इज द राइट आंसर, और यूनेस्को के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। पेरिस फ्रांस 1945, ओद्रे अजूले, ओद्र अजूले, ठीक है। तो मंगोलिया में है खुबसुल लेक नेशनल पार्क, जो रिसेंटली क्या बनाया गया है, एडिड टू द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फेयर रिजर्व। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इससे पहले हमारे TS त्रिमूर्ति थे UN में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव PR, ठीक है, TS त्रिमूर्ति। ऐसा कोई एग्जाम नहीं गया था कि इनके बारे में क्वेश्चन ना पूछा गया हो या क्वेश्चन ना आया हो, ठीक है। तो रिसेंटली ये चेंज हो गए हैं, आपको बताना है कि नए जो बने हैं परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड नेशन, ठीक है, न्यूयॉर्क, कौन है, रुचिका कंबोज, संगीता मेहता या भावना बिष्ट। हाँ जी, जल्दी से आंसर दीजिए भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन डी, नहीं जी, ऑप्शन डी इज नॉट द राइट आंसर, आंसर इज रुचिरा कंबोज। रुचिरा
कंबोज इज द राइट आंसर. ये बनी है इंडिया की नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशंस. यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर इसमें दिए हुए हैं क्वेश्चन में ऑलरेडी. कहां पर है? न्यूयॉर्क में. 1945 में बनाया गया. और इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो हैं एंटोनियो ग्यूटरेस. ये क्वेश्चन भी पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है. एंटोनियो ग्यूटरेस इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस. ठीक है, तो नाम याद रखना, रुचिरा कंबोज. हो सकता है क्वेश्चन मिल जाए आपको एग्जाम में. चलिए, हु हैज बीन सिक्योर्ड द फर्स्ट रैंक. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है भाई, फर्स्ट रैंक किसको मिली है एग्जामिनेशन में? पहला जो एनडीए का वुमेन बैच है. हाँ जी, फर्स्ट वुमेन्स एनडीए बैच में ऑल इंडिया वन रैंक किसकी आई? दिव्या पटेल, शनन ढाका, रागिनी मराठे या लुनासा भास्कर? जल्दी से आंसर दीजिए भाई. यस, वेरी नाइस, ये सबको पता है. आंसर इज शनन ढाका. ठीक है, शनन ढाका आर्मी स्कूल से. और इनको क्या है, फर्स्ट रैंक आई इसकी इसमें, फर्स्ट वीमेन एनडीए बैच में. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन. द कंट्रीज फर्स्ट एवर बालिका पंचायत, पहली बालिका पंचायत, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हैज स्टार्टेड इन फाइव विलेजेस ऑफ विच स्टेट? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या पंजाब? बताइए जी, भारत की पहली बालिका पंचायत. मेडिकल में फेल होगी. क्यों होगी भाई मेडिकल में फेल? एयरफोर्स के लिए. हाँ जी, आंसर दीजिए जल्दी से. राजस्थान? नहीं जी, राजस्थान इज नॉट द आंसर, गुजरात इज द आंसर. गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में पांच गांव हैं जिनमें चलाई गई पहली बालिका पंचायत. बालिका पंचायत मतलब इसके जो सारे पार्टिसिपेंट्स यानी कि जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो होंगे 11 से 21 साल के. और दैट टू कौन होंगी? गर्ल्स होंगी. ठीक है, ताकि जो विमेन है उसका पार्टिसिपेशन हो इंडियन पॉलिटिक्स में, उसका पार्टिसिपेशन क्या हो, बढ़े, इंक्रीज हो. ठीक है, और इसमें बात की जाएगी बेसिकली जो डाउरी या चाइल्ड मैरिज जैसे जो सोशल इविल्स हैं इनको इरेडिकेट कैसे किया जाए विलेज लेवल पे. ठीक है, तो उसके बारे में बात की जाएगी. तो पहली बालिका पंचायत गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में. ठीक है, ये भी याद रखना भाई, इसमें 11 से 21 का जो एज क्राइटेरिया है इसको भी याद रखना. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, वेयर वॉज द 20th फोक फेयर. इसमें सिंगिंग और डांसिंग होती है, फोक डांस और सिंगिंग. ठीक है, आपको बताना है इनॉग्रेटेड रिसेंटली कहां पर, सिक्किम, तेलंगाना, उड़ीसा या असम? जल्दी से आंसर दीजिए भाई. हाँ जी, आंसर डिलीट क्यों कर दिया भाई मंगल, आंसर बताइए जल्दी से. ऑप्शन बी? नहीं जी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. उड़ीसा के पुरी में, जहां पर है आपका जगन्नाथ पुरी टेंपल. ठीक है, उड़ीसा के पुरी में ये लॉन्च किया गया, स्टार्ट किया गया 20th फोक फेयर. और एक और चीज यहां पर स्टार्ट हुई, कृषि फेयर. ठीक है, दोनों ही स्टार्ट कहां पर हुए हैं भाई, कृषि फेयर भी और फोक फेयर भी, ये दोनों स्टार्ट हुए उड़ीसा के पुरी में. ठीक है, और स्टार्ट किसने किया? विश्वेश्वर टुडू. कौन है ये? मिनिस्टर ऑफ स्टेट कल्चर. ठीक, तो याद रखिएगा किसने इनॉग्रेशन किया है, विश्वेश्वर टुडू. और जल शक्ति के भी ये आपका, सॉरी कल्चर नहीं है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ट्राइबल अफेयर्स हैं. मिनिस्टर ऑफ स्टेट ट्राइबल अफेयर्स और मिनिस्टर ऑफ स्टेट जल शक्ति हैं विश्वेश्वर टुडू. इन्होंने इनॉग्रेट किया फोक फेयर कहां पर? पूरी उड़ीसा के अंदर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्कलजैंग रिग्जिन. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन आपका, हो सकता है ज्योग्राफी भी रिलेटेड आ जाए इससे कुछ. ठीक है, क्योंकि इसमें बात की गई है माउंट अन्नपूर्णा. स्कलजग रिग्जिन बिकेम द फर्स्ट इंडियन माउंटेनियर
टू क्लाइम माउंट अन्नपूर्णा पीक? पहली पहली इंडियन है ये जिन्होंने क्लाइंब किया है माउंट अन्नपूर्णा पीक। आपको बताना है माउंट अन्नपूर्णा लोकेटेड इन विच कंट्री? ज्योग्राफी पढ़ी होगी, इजीली क्वेश्चन है। इंडिया, भूटान, चाइना या नेपाल? हाँ जी आंसर डी डी नेपाल। यस वेरी गुड, इंडिया नहीं है भाई, अन्नपूर्णा माउंट अन्नपूर्णा है नेपाल में। एक आपने पीक सुनी होगी चो उयू, चो ओयू, ये भी है कहाँ पर? नेपाल में। तो ये चो ओयू जो है ना, इसी का पार्ट है ये माउंट अन्नपूर्णा, ठीक है। और माउंट अन्नपूर्णा की हाइट अगर पूछी जाए तो 8091, 8091 मीटर, और वर्ल्ड की दसवीं हाईएस्ट माउंटेन पीक है भाई, दसवीं हाईएस्ट माउंटेन पीक विद द हाइट ऑफ एलिवेशन ऑफ 8091 मीटर, सिचुएटेड इन नेपाल। और ये स्कल्स एंड रिग्जिंग ये बिलोंग करती हैं लेह लद्दाख से, ठीक है जी, लेह लद्दाख से। और एक और बात याद रखना, फर्स्ट इंडियन माउंटेनियर तो है ही है क्लाइम माउंट अन्नपूर्णा पे, विदाउट ऑक्सीजन क्लाइम किया है, बिना ऑक्सीजन के, ठीक है। जो ऑक्सीजन टैंक लेके जाते हैं ना, वो नहीं लेके गए थे, विदाउट ऑक्सीजन टैंक के क्लाइम किया, ठीक है, सच अ प्राउड मोमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। असम हैज बिकम द 36th स्टेट टू इंप्लीमेंट वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, दिस स्कीम लॉन्च्ड इन विच ईयर? 2014, 19, 20 या 21? हाँ जी, वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड। हाँ जी बताएंगे, ऑप्शन नंबर डी, और कोई? डी नहीं जी, आंसर इज 2019, अगस्त 2019 में स्टार्ट किया गया था वन नेशन वन राशन कार्ड अंडर NFSA 2013। NFSA क्या है? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंतर्गत ये स्टार्ट किया गया अगस्त 2019 में वन नेशन वन राशन कार्ड, ठीक है। और ये जब स्टार्ट हुआ था, पहली जो स्टेट थी वो थी गुजरात, पहली बार जो स्टार्ट हुआ था कहाँ पर? गुजरात वॉज द फर्स्ट स्टेट। और रिसेंटली जो 36वीं स्टेट बनी है वो है आपकी कौन सी? असम, असम, ठीक है। तो असम इज द 36th स्टेट, असम की कैपिटल है दिसपुर, और हेमंत बिस्व शर्मा इज द CM ऑफ असम, और गणेशी लाल हैं इसके गवर्नर, ठीक है। गणेशी लाल क्या हैं? गवर्नर है, ठीक। तो बेसिकली वन रेशन वन आधार वन राशन कार्ड में क्या है ना कि आधार बायोमेट्रिक होती है इसमें, आधार सीडिंग होगी। तो इस राशन कार्ड के पहले क्या था ना कि जो यूपी से बिलोंग करते हैं वो यूपी में ही क्या राशन ले सकते हैं, अब क्या है एक राशन कार्ड बनेगा और पैन इंडिया आप कहीं से भी राशन ले सकते हैं, अगर ना जो BPL लोग होते हैं, ठीक है। पैंडेमिक के बाद ये इनिशिएटिव लिया गया क्योंकि पैंडेमिक में देखा गया कि कुछ लोग बिहार के हैं बट वो स्टे कहीं पे और कर रहे हैं तो उनको राशन मिल नहीं पाया, स्टार्टिंग में थोड़ा इशू हुआ बिकॉज उनका राशन कार्ड कहाँ का था? बिहार का, ठीक है। तो इसके लिए बना दिया क्या वन नेशन वन राशन कार्ड 2019 में ये स्टार्ट हुआ था और पैंडेमिक के बाद और ज़्यादा बूस्ट कर दिया गया इसको, ठीक है। तो फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड है, दैट इज़ द रीज़न नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर आता है, ठीक है। चलिए ये थे कुछ क्वेश्चंस आपके, आई होप यू एंजॉयड एंड आई होप यू लर्न्ड अ लॉट। चलिए सेशन अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम 8 बजे, तब तक के लिए जय हिंद।